हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अन्नी सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि लेबर रजिस्ट्रेशन या श्रमिक पंजीकरण का नया वेबसाइट लॉन्च हो गया है और उस पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से श्रमिक पंजीकरण करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूं ताकि आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं श्रम संसाधन विभाग लेबर डिपार्टमेंट पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो श्रमिक पंजीकरण न्यू लिंक लॉन्च किया हुआ है। तो ये श्रमिक पंजीकरण पे आपको क्लिक करने हैं। जब आप श्रमिक पंजीकरण पे आप क्लिक कर लोगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ आप देख रहे हो सबसे टॉप पे श्रमिक पंजीकरण है, तो श्रमिक पंजीकरण को क्लिक करने हैं। जब आप इसको क्लिक कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा और इसमें आपको मैं बता दूँ, यहाँ नाम है आधार पर, जो आधार कार्ड पे नाम दिया हुआ है और यहाँ पिता का नाम है, आधार नंबर डालने हैं, जन्म तिथि डालने हैं, लिंग डालने हैं, महिला है पुरुष है, वैवाहिक स्थिति डालने हैं कि शादी कर चुके हैं अथवा नहीं कर चुके हैं, और यहाँ मोबाइल नंबर डालने हैं और OTP भेजे पे क्लिक करके यहाँ चेकबॉक्स में ओके करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ अपना ID डाल के। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ये OTP भेजे पे क्लिक करके OTP आ गया और सत्यापित कर लिया। फिर ये चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर करें पे क्लिक कर देने हैं। जब आप रजिस्टर करने पे क्लिक कर दोगे तो फिर इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो फटाफट मैं आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों डाल दिया है, अब यहाँ पे लॉगिन करने पे क्लिक करने हैं और यहाँ लॉगिन कर देते हैं। जब आप लॉगिन कर दोगे तो फिर यहाँ पे आपको एक OTP भेजेगा और OTP फिर आपको डालने हैं, तो मैं OTP डाल देता हूँ। जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 है, ये 4 प्रोसेस में पूरा होना है। तो इसमें आपको फर्स्ट में ऐसा आएगा जैसा कि मैंने नाम डाला था और पिता का नाम डाला था और यहाँ पे जन्म तिथि डाला था और यहाँ आधार नंबर डाला था, ये सब आ गया है। अब इसमें आपको माँ का नाम डालना है, यहाँ पे जिसमें स्टार है उसको कंपलसरी भरने हैं। तो यहाँ पे माँ का नाम डालना है, यहाँ पे वर्ग डालना है, कौन से वर्ग से आप आ रहे हैं, यहाँ पे विवाहित है या अविवाहित है वो डालना है, तो यहाँ पे आप वो डाल दोगे। और अपना परिवार के सदस्य का नाम डालना है, यहाँ आप सदस्य का नाम डालोगे, यहाँ पे संबंध डालोगे और उसके बाद और अगर डालना है तो यहाँ ऐड बटन है, ये ऐड बटन पे क्लिक कर दोगे तो और ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से आपको भरने हैं, तो मैं इसको फटाफट भर के और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है पूरा। पूरा फिलअप कर देने के बाद आप इसमें कोई परिवार का मेंबर का सदस्य का डाल रहे हो तो यहाँ आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल के ऐड कर सकते हो। और फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जब आप नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपका, इसके बाद आप देख सकते हो ये सेकेंड नंबर पे आ गया। सेकेंड नंबर पे फिर आप देख सकते हो आपका मोबाइल संख्या का डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पे स्थाई पता डालना है। यहाँ पता है, यहाँ जिला है, यहाँ पे तहसील है, ये पंचायत नंबर है, ये गांव मोहल्ला है और ये पिन कोड है। इसके बाद डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। बिल्कुल ईजी है भरना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ऊपर आपको बताना भूल गया, यहाँ ईमेल है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं डाला हुआ है, जिस पे स्टार डाला हुआ है कंपलसरी है भरना। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट भर देता हूँ, भर के फिर आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने पूरा एड्रेस भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योग्यता विवरण, क्या आप साक्षर है, अगर साक्षर है तो आप साक्षर पे क्लिक कर दीजिए, अगर साक्षर है तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो वो डालना है, अगर साक्षर है तो कहाँ तक पढ़ाई किए हो। तो मैं इस पे डाल देता हूँ ग्रेजुएशन। और क्या बिहार सरकार के किसी विभाग से संबंधित है, अगर हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं कर दो। कार्यस्थान का पता, कहाँ पे काम करते हो, बिहार में करते हो, राज्य से बाहर या देश के बाहर करते हो, तो आप वहाँ पे आप क्लिक कर दो कि आप जहाँ पे काम करते हो, अगर बिहार में करते हो तो कहाँ पे काम करते हो वो यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। और उसके बाद क्या आप स्वयं काम करते हो, खुद से काम करते हो या किसी ठेकेदार के माध्यम से काम करते हो, तो ये आपको जो भी आप खुद से काम करते हो तो स्वयं लिखना है और ठेकेदार के माध्यम से है तो ठेकेदार करने। क्या आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े हुए हो, ESI से जुड़े हुए, अगर जुड़े हुए हैं तो हाँ कीजिए, अगर नहीं जुड़े हुए तो नहीं कीजिए। क्या आपके पास CPF खाता है तो आपको हाँ करना है, अगर है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। आप किस प्रकार के काम करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे काम के ऑप्शन है, ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप जो भी दैनिक मजदूर हो, सुपरवाइजर हो, क्लर्क हो या अन्य हो, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय में आपका कितना मासिक आय है, जितने हैं 15,000 या 15 से 24,000, 24 से 50, 50,000 से अधिक है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देने हैं। जैसे मैं तो 15,000 से कम का क्लिक कर दिया हूँ। आप क्या काम करते हैं, इतना में ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको कोई एक क्लिक कर देने हैं। क्लिक कर देने के बाद और फिर कितने वर्षों का अनुभव है, यहाँ पे आपको साल लिखने हैं और यहाँ पे महीने लिख के और नेक्स्ट कर देने हैं। तो मैं ये पूरा फिलअप करके फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो दिखा देता हूँ दोस्तों।
दोस्तों जब आप वो पूरा फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपको इस तरह से ऑप्शन एक और आ जाएगा, क्या आप किसी अन्य प्रकार का हुनर है, स्किल है, तो आपके पास कोई स्किल है तो आप वो स्किल का हाँ या नहीं करना है। उसके बाद हाँ या नहीं करेंगे, फिर यहाँ स्किल कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो या वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। काम के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है हाँ या नहीं करना है, कि आप रोजगार करना चाहते हैं या स्वरोजगार करना चाहते हैं, वो आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं इसको फटाफट कर दे, तो जब आप वो फिलअप कर लोगे, फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पंजीकरण विवरण सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ करना है तो फिर ओके कर दीजिए, नहीं करना है तो कैंसिल कर दीजिए। तो मैं ओके कर रहा हूँ। इस प्रकार जब ओके कर देंगे तो यहाँ आपका सक्सेस हो जाएगा, सफलतापूर्वक जानकारी जोड़ी गई और ये आपका रजिस्ट्रेशन पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों तो दोस्तों इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये बिल्कुल आसान है रजिस्ट्रेशन करना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको श्रमिक पंजीकरण या लेबर रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताया है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।